हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल MAPS रेवाड़ी। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा आपकी एक्सरसाइज 12.1। उससे पहले इस जो पिछली वीडियो थी, हमने उसमें अपना बेसिक किया था 12 चैप्टर का हीरोन्स फार्मूला। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है वो देखिए, एक हमें एक सिग्नल बोर्ड दिया हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेट स्कूल एड, एक स्कूल बोर्ड का लगा हुआ है, स्कूल इंडिकेशन का एक बोर्ड जिसकी साइड्स जो है वो तीनों के तीनों क्या है, ए साइड है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है इस बोर्ड का, इक्विलेटरल ट्राइंगल शेप का है, तीनों साइड क्या है, ए, ठीक है। एंड एक चीज़ हो रहा है उसमें, पैरीमीटर उसका दिया हुआ है कितना, 180। सो फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये हमारा ट्राइंगल है, सो यहाँ पे पैरीमीटर कितना है, 3a। पैरीमीटर हो गया ट्राइंगल का 3a, जो कि वैल्यू कितनी है उसकी, 180। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, 180 बाई 3 यानी कि 60। तो साइड हमारी कितनी आ गई, 60। साइड हमें पता लग गया उसकी, a की वैल्यू कितनी है, 60 है। चलिए अब यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले s, क्योंकि हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमें s चाहिए, s इज द सेमी पेरीमीटर, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, ठीक है। तो क्या आएगा उसका सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारा 180 है, उसका हाफ कर देंगे यानी कितना आएगा, 90। एस की वैल्यू आ गई, ओके। और साइड्स हमें पता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी यानी कि 60, तीनों की तीनों कितनी है, 60 है, ठीक है। चलिए तो एरिया क्या आएगा वो देखिए, एरिया होगा हमारा, फॉर्मूला आपको पता ही है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ठीक है। तो उसमें आप वैल्यू रख दीजिए, आप एस की वैल्यू कितनी है हमारी, 90। तो 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60, ओके। चलिए आगे देखिए क्या आएगा, 90 माइनस 30 इंटू 30 इंटू 30, ओके। अब देखिए, क्योंकि मैंने बताया था इसको जब हम रूट के अंदर सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, आप कोशिश ये करना है कि डबल पेयर बने, जैसे 30-30 का एक पेयर हो गया, एक 30 बचा है, लेकिन हम 90 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको 3 इंटू 30 में, कर सकते हैं ना। सो 30 इंटू 30 इंटू 30, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, 30 इंटू 30, अंदर कौन बचेगा, 3। तो ये आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा आया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ दिस सिग्नल बोर्ड, क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पैरीमीटर दिया है उसके हेल्प से हम साइड्स निकाल लेंगे, उसके बाद एस निकालेंगे, एस और साइड हमें जब पता लग जाए तो हीरोन फॉर्मूले में हम उसको पुट अप कर देंगे। तो क्या आएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन टू बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक आपको एक फ्लाईओवर दिया हुआ है जिसकी साइड्स है 122 मीटर, ये है हमारी 120 मीटर एंड ये है हमारी 22 मीटर, क्लियर है। इसकी जो एक क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं, देखिए क्या है वो कहता है कि इसकी जो एक दीवार है एक फ्लाईओवर की, उसको जो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होती है, जिसकी कॉस्ट है 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि एक मीटर स्क्वेयर का 5000 देना पड़ता है, कब, पर ईयर, यानी कि 1 ईयर के लिए, ओके। तो क्वेश्चन ये है कि आपको जो एक कंपनी है वो इस दीवार को 3 मंथ्स के लिए रेंट पे लेती है, तो बताइए उस कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा। तो हमें पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक मीटर स्क्वेयर के 5000 रुपये लगते हैं, तो ये पूरा कितना है, क्योंकि दीवार तो पूरी लेनी है कंपनी को, तो पूरी दीवार का कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स, उसकी क्या है, 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर, क्लियर है। तो एस की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आपको पता है, 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइड बाय 2, यानी कि इसका आ जाएगा आपका 132, ऐसा आ गया। और साइड हमारे पास तीनों है ही, तो एरिया निकाल देंगे, क्या आएगा, हीरोन फॉर्मूला यूज करके 132, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए 122, एस माइनस बी यानी कि 120 एंड एस माइनस सी यानी कि 22, ओके। फिर देखिए क्या आएगा, 132
132 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा 10, ओके। 32 में से 120 गया 12, ओके, और इसमें से 110, ठीक है। तो ये आ गए हमारे, चलिए 132 को मैं अब पेयर बना देता हूँ, कैसे, 11 × 12 लिख सकता हूँ इसको, एंड ये हमारा 10, ये 12, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 × 10, ठीक है। तो अब देखिए 11 और 11 पेयर आ गया, तो इसको बाहर ले लेंगे हम 11 को, 12 12, तो एक हमने 12 बाहर ले लिया, ओके, और 10 × 10 एक हमने 10 बाहर ले लिया, तो इसका जो एरिया आएगा वो आएगा हमारा 1320 मीटर स्क्वेयर। तो ये तो क्या आया है, एरिया, इसका एरिया पता लग गया हमें, यानी कि टोटल जो दीवार का एरिया है वॉल का वो है 1320 पर मीटर स्क्वेयर। अब देखिए, अब हमें कोस निकालनी है, वो यहां से देखिए कैसे निकालेंगे, कितना लगता है, 5000 रुपीज, कितने मीटर का, 1 मीटर का, 1 मीटर स्क्वेयर का कितना लगता है फॉर 1 ईयर, 5000 रुपीज, है ना, क्लियर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वेयर फॉर 1 ईयर कितना, 5000, और 1 मीटर स्क्वेयर का फॉर 1 मंथ, 1 मंथ के लिए कितना हो गया, आप 5000 डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, ओके, और 1 मीटर स्क्वेयर का 3 मंथ के लिए कितना हो गया, 3 मंथ के लिए आप क्या कर दोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो है 1 मीटर स्क्वेयर का, लेकिन हमारा एरिया कितना है, 1320, तो 1320 मीटर स्क्वेयर का 3 महीने के लिए कितना आ जाएगा, 1320, ये और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ओके। तो हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर जो आएगा सोल्व कर लेना, ये रुपए आएंगे, क्लियर है। तो मेन हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिए, एक हमें फ्लाईओवर की दीवार दी थी, ठीक है, उसका एरिया जो था वो हमें कैलकुलेट करना था एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो हमने एरिया निकाला, एरिया आया 1320 इस दीवार का, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट थी 5000 रुपीज़ फॉर 1 मीटर कॉस्ट फॉर 1 ईयर 5000, 1 मीटर की कॉस्ट 1 मंथ के लिए कितनी हो गई, डिवाइड बाई 12, एंड 3 मंथ के लिए मल्टीप्लाई बाई 3, एंड टोटल जो एरिया था हमारा जिस दीवार का उसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1320। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट उस दीवार की 3 मंथ के लिए, यानी कि इतना रुपया पे करना पड़ेगा उस कंपनी को 3 मंथ्स के लिए, क्लियर है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हमारा है क्वेश्चन 3, देखते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 में कहता है, देयर इज अ स्लाइड इन अ प्लैंक, पार्क, एक पार्क में स्लाइड है, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद अ मेजर कीप पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ओके। ये एक पार्क में स्लाइड लगी हुई है, ठीक है, जिसकी साइड्स है आपकी 11 मीटर एंड 15 मीटर, एंड जो थर्ड साइड है वो है हमारी 6 मीटर। ये हमारी स्लाइडिंग लगी हुई है उस पार्क में, उस पर हमने पेंट करना है यहाँ पे, ठीक है, ओके। फिर ये क्या कहता है, इफ़ द साइड्स ऑफ ए वॉल आर 15, 11 एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड, जो पेंट किया है वो कितना एरिया पेंट किया है, मतलब हमें इस दीवार का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने का मतलब आपने हीरोन फॉर्मूला यूज़ करके इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए तो साइड सबसे पहले लिख लेते हैं हम, साइड्स ऑफ ट्राइंगल क्या है हमारी, 11, 15 एंड 6, तो यहाँ से हमारी S की वैल्यू क्या आएगी, 11 + 15 + 6, यानी कि 11 और जैसा 32 डिवाइड बाई 2 यानी कि 16, ऐसा आ गया हमारा। अब हमारे पास S भी है और तीनों साइड्स भी है, तो एरिया निकाल देंगे हम, एरिया क्या आएगा हमारा, S इंटू S माइनस A, ओके, S माइनस B एंड S माइनस C, ठीक है। तो क्या आएगा, 16 इंटू ये आएगा 5, 16 में 1 और 10, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या, एरिया आ जाएगा, अब इसको सोल्व कर लो आगे।
तो 16 को भी देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 4 × 4, ठीक है ओके, ये 5 हो गया, ये 1 है ही, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2, तो ये दो पेयर हो गए, 5 4 के भी पेयर हो गए, तो क्या आ जाएगा, एक 4 बाहर आएगा और एक 5 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 20√2 मीटर में है ना, ओके मीटर स्क्वेयर, तो ये आ गया हमारा एरिया। तो देखिए हीरोन फॉर्मूला यूज करके आप इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ट्रायंगल का, सभी में एक ही टाइप के क्वेश्चन है, आपको बस एस निकालना है, तीनों साइड दी है तो आपको तीनों साइड उसमें पुटअप करनी है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको तीनों साइड ना देख के दो साइड देगा जिसमें आपको एक पेरीमीटर देगा जिसकी हेल्प से हम थर्ड साइड उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं ओके। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन 1, 2, 3 जो हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन 4, 5, 6 अगली वीडियो में करेंगे, और तब तक आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।